हाय फ्रेंड्स, आई एम लवलीन। वेलकम यू टू एंजल्स ब्लेसिंग्स टैरो। तो आज मैं टैरो कार्ड रीडिंग करूंगी और आज का टॉपिक है हु इज़ योर सोलमेट, और उनकी साइड से कुछ लव मैसेजेस होंगे जो कि मैं आपको एंड में दिखाऊंगी आपकी रीडिंग के बाद। तो चलिए देखते हैं आपके सोलमेट कौन है। तो यहाँ 3 पाइल्स हैं, यहाँ इस पाइल में से, इन 3 पाइल्स में से आपको एक पाइल सिलेक्ट करनी है। फर्स्ट पाइल है पिंक गिफ्ट बॉक्स, सेकंड पाइल है ग्रीन गिफ्ट बॉक्स एंड थर्ड पाइल है गोल्डन गिफ्ट बॉक्स। इन तीनों पाइल में से जहाँ भी आपकी एनर्जी कनेक्ट होती है आप उस पाइल को सिलेक्ट कर लीजिए। तो जिन्होंने भी ये पाइल नंबर 1 पिंक गिफ्ट बॉक्स सिलेक्ट करा है, आइए देखते हैं उनके सोलमेट कौन है। पहले मैं यहाँ शफल कर लूँगी। तो यहाँ मैं अपनी एनर्जी कनेक्ट करी थी, आइए देखते हैं आपके सोलमेट कौन है। 4 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, द एम्परर, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, जजमेंट, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो आई थिंक आपके जो, आप शायद पास्ट रिलेशनशिप में रह चुके हैं, जो पर्सन आपका था रिलेशनशिप में, आपके पास रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा फास्ट मूविंग था और काफ़ी ज़्यादा कुछ गलत आदतों में था, और जो कि काफ़ी ज़्यादा आपके लिए प्रॉब्लमेटिक होता था। जैसे कि मैं यहाँ देख रही हूँ 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, तो यहाँ दिख रहा है कि आपका जो रिलेशनशिप एंड हुआ है वो किसी थर्ड पर्सन की वजह से हुआ है। काफ़ी ज़्यादा आपने, आपको प्रॉब्लम्स हुई। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, आप अभी भी शायद उसी स्टेज पे हैं, उसी उसमें हैं कि आप अभी भी अपने आप को बेसहारा महसूस कर रहे हैं, जो कि आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये इंसान आपकी लाइफ में बहुत तेज़ी से आया और बहुत तेज़ी से गया। तो इस कार्ड के अकॉर्डिंग मुझे ये लग रहा है कि आप रात रात भर तक उसी के बारे में अभी भी सोचते रहते हैं, ऐसा क्यों हुआ, वो क्या थर्ड पार्टी सिचुएशन हुई, क्या ऐसा हुआ जो कि उसने आपको छोड़ दिया, और इस उसमें आपको फ़र्क पड़ रहा है। व्यूअर्स जो हैं उनको ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है, जो छोड़ के गया उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, वो इंसान अभी भी ऐसा ही है और ऐसा ही रहेगा। हर्ट ब्रोकन हुआ आप, आई थिंक, और लेकिन आपको होप नहीं छोड़नी है। देखो कितनी प्रॉब्लम्स आई आपकी लाइफ में, जो भी उससे रिलेटेड आए, जो भी प्रॉब्लम्स आई, लेकिन आपको होप नहीं छोड़नी है, कोई भी होप नहीं छोड़नी, क्योंकि ये इंसान काफ़ी ज़्यादा फास्ट मूविंग है, आता भी है और जल्दी से जाता भी है। ये इंसान ऐसा है जिसको जल्दी से प्यार भी हो जाता है, जल्दी से नफरत भी हो जाती है। जो आपका था पास्ट रिलेशनशिप में, जिसके साथ थे आप, तो अब जो, अगर आप इस उससे बाहर निकलेंगे इस अपने प्रॉब्लम से,
तो आपके साथ जजमेंट जरूर होगी, क्योंकि इसमें दिखाया जा रहा है एस ऑफ कप्स, और ये जो आपका पार्टनर है ये आपको डिवाइन टाइमिंग पे ही मिलेगा, उससे पहले नहीं मिलेगा। आप मैनिफेस्टेशंस करेंगे उसके थ्रू मिलेंगे, और कुछ वो भी मैनिफेस्टेशंस कर रहे हैं, और जो मैंने आपको बताया जो पास्ट रिलेशनशिप का, ये वाइस वर्सा भी हो सकता है, ये आपकी साइड का भी हो सकता है, उनकी साइड का भी हो सकता है। तो अगर आप हैं इस सिचुएशन में या अगर वो हैं तो आप मैनिफेस्टेशंस करें, तो आपके साथ जजमेंट जरूर होगी, ज़रूर बिल्कुल गारंटीड होगी, और जो आपके जो पर्सन होंगे वो काफ़ी ज़्यादा, जैसे यहाँ दिखा रहा है नाइट ऑफ वॉन्ड्स का, ये फायर साइन के हो सकते हैं, यहाँ फायर साइन और मुझे एयर साइन ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि एयर साइन में भी आपका पास्ट रिलेशनशिप का था, और जो आपके पार्टनर होंगे इन फ्यूचर, आपके जो सोलमेट होंगे वो आपके फायर साइन के हो सकते हैं। थोड़ा बहुत मुझे यहाँ अर्थ की वाइब्स आ रही हैं, टॉरस वरुण कैप्रिकॉन एरिस लियो एंड सेजिटेरियस फायर साइन, एंड तो आपको उससे बाहर निकलना है तभी आपके पास आ पाएंगे, आप मैनिफेस्टेशंस करें, और ये आपको ये एक ऑफ़र करेंगे, कप ऑफ लव ये ऑफ़र करेंगे आपको। तो जो आपके पर्सन होंगे वो काफ़ी ज़्यादा लीडरशिप क्वालिटी रखने वाले होंगे, थोड़े से रूडी कॉम्प्लेक्शन के हो सकते हैं, मतलब आपको देख के लगेगा कि यार ये तो कितना खड़ूसा है, ये कितना कैसा है, ये ऐसा वैसा है, लेकिन ये ऐसे नहीं होंगे, ये बहुत अच्छे लवर होंगे और एक गुड फ्रेंड भी साबित होंगे। तो जिनके साथ आपका एक फैमिली भी होगी, आपके एक पूरा घर होगा, आपके रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी होगी, आपके रिलेशनशिप में ग्रोथ होगी, और आप काफ़ी ज़्यादा खुश रहेंगे उस इंसान के साथ। लेकिन उससे पहले आपको इन चैलेंजेस को हराना है, इन ऑब्स्टेकल्स को हटाना है, तभी आप उस स्टेबिलिटी और उस ग्रोथ तक पहुंच पाएंगे। तो ये चीज़ आपको ज़रूर ध्यान रखनी है, इस सिचुएशन से बाहर निकलिए और इनको आने का मौका दीजिए, कि ये आपकी लाइफ में जब आएंगे तो आपको एक खुशियों का एक पूरा, बस एक कप दे देंगे, एक पूरा सब कुछ दे देंगे जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। जैसे कि यहाँ द एम्परर है, तो ये इंसान अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपनी ड्यूटीज़ को निभाने वाला होगा, अपने रिलेशनशिप्स को इम्पोर्टेंस देने वाला होगा ये इंसान अपनी ड्यूटीज़ जानता होगा। और यहाँ पेज ऑफ पेंटिकल्स है, तो ये इंसान थोड़ा काफ़ी ज़्यादा लॉयल होगा, ये इंसान बैलेंस्ड होगा फिजिकली भी एंड इमोशनली भी, ये इंसान लॉजिकली भी सोचता होगा और अपने रिलेशनशिप्स को मद्देनज़र रखते हुए भी सोचता होगा। जैसे कि यहाँ फाइव ऑफ पेंटिकल्स है, मे बी अभी वो शायद किसी परेशानी में है, जहाँ मे बी करियर वाइज वो थोड़े परेशानी में हैं, तो शायद उन्हें हर तरफ अपने नेगेटिविटी दिखाई दे रही है, या शायद ये वाइस वर्सा भी हो सकता है, आपकी एनर्जी भी हो सकती है, तो उस नेगेटिविटी से थोड़ा दूर होइए और पॉजिटिविटी की ओर जाइए, और अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स से सपोर्ट आपको मिल सकता है, चाहे आप फाइनेंशियली लें, चाहे आप पर्सनली अपना इमोशनली लें, तो आपको ज़रूर मिलेगा, और आपके साथ जजमेंट भी होगी डिवाइन टाइमिंग पे। तो ये था, और जैसे यह किंग ऑफ स्पोर्ट्स है, ये इंसान काफ़ी ज़्यादा मैच्योर होगा, ये काफ़ी ज़्यादा अपनी, जैसे मैंने बताया, रिस्पॉन्सिबिलिटी समझने वाला होगा, और तो आप इस एनर्जी से बाहर निकलिए और इनको मौका दीजिए आपकी ज़िंदगी में आने का। तो आइए देखते हैं आपके कुछ लव मैसेजेस जो कि वो आपको देना चाहते हैं। ज़्यादा ही जल्दी निकल रहे हैं, शायद वो आपको कुछ ज़्यादा ही बताना चाहते हैं। चलिए आइए देखते हैं उनके लव मैसेजेस आपके लिए।
तो ये है, आई थिंक तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत ब्राइड होगी। उन्हें लगता है कि आप दुनिया की सबसे खूबसूरत ब्राइड होंगी अपनी मैरिज में। आई ऑलवेज सपोर्ट यू, वो आपको हमेशा सपोर्ट करेंगे, आपकी हर चीज़ में आपका साथ देंगे। उफ, तुम्हारी ये कातिलाना अदाएं। अच्छा जी, तो आपकी अदाएं थोड़ी कातिलाना हैं, उनको लगती हैं। ज़्यादा जुल्म मत करिए उन पे। तुम मेरे दिल के करीब हो के हम दो हमारे दो। थोड़े नॉटी से भी लगते हैं, फनी से भी लगते हैं मेरे को ये। तुम मेरे लिए एक ख्वाब जैसी हो। ओके, तो ये सोचते हैं कि आप इनके लिए बिल्कुल ख्वाब जैसी हो। तू इतनी खूबसूरत है, फिदा दीदार पे तेरे। जनरली एक सॉन्ग है, और आप अगर आपको सुनना है तो आप सुन सकते हैं, ये उन्होंने आपको डेडिकेट करा है। मुझे कुकिंग नहीं आती, गुस्सा मत होना। ओके जी, उनको कुकिंग नहीं आती, ये आपके फ्यूचर मतलब वाइफ भी हो सकती हैं, हस्बैंड भी हो सकते हैं, तो वो ये कह रहे हैं उनको कुकिंग नहीं आती, उन पर गुस्सा मत होना। आप कभी गुस्सा हो जाओ उनसे तो उनसे गुस्सा मत होना। तुम जहाँ हो खुश रहना, मैं भी यहाँ खुश हूँ, बट तुम्हारा वेट है। अच्छा जी, वो कह रहे हैं आप जो भी सिचुएशन में हो, जैसे भी हो, खुश रहो, मैं भी यहाँ खुश हूँ, लेकिन बस तुम्हारा ही वेट है और वो जल्दी ही आपके पास आएंगे। तो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप कि आपको रेजोनेट हुई हो। अगर हुई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं कि आपको नेक्स्ट कौन सा टॉपिक चाहिए, किस वीडियो कौन सी वीडियो चाहिए, किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए आपको। तो बाय बाय। तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 ग्रीन गिफ्ट बॉक्स सिलेक्ट करा था, आइए देखते हैं उनके सोलमेट कौन है। यहाँ मैं थोड़ा सा शफल कर लेती हूँ कार्ड्स को। तो यहाँ मैं अपनी एनर्जी कनेक्ट कर रही थी, आइए देखते हैं आपके सोलमेट कौन है। 7 of Wands, 10 of Pentacles, 8 of Cups, 9 the Hermit, 3 of Wands, 9 of Swords, 2 of Swords, the Magician, Page of Wands, 9 of Cups, 7 of Pentacles, 5 of Swords, the Devil, reverse में है तो मैं reverse card नहीं पढ़ती, and the High Priest means the Hierophant। तो आइए देखते हैं आपके soulmate कौन है। I think जो आपके soulmate हैं उनका अभी कोई पास्ट रिलेशनशिप से ब्रेकअप हुआ है, किसी शायद उनके पार्टनर ने उनको धोखा दिया है, चीटिंग हुई है, और मे बी वो आपकी साइड बहुत जल्दी से आएंगे, बहुत ज़्यादा जल्दी से आ रहे हैं। उनको लगता है कि वो आप उनकी सोलमेट नहीं थी, तो अब वो चाहते हैं कि उनकी जो सोलमेट होगी अब वो उनसे जल्दी से मिल लें। बस अब उनसे ना बस वेट नहीं होता, उनको नहीं लगता कि ये जो लड़की थी या जो लड़का था वो उनके हिसाब से उनका सोलमेट था, क्योंकि यहाँ द डेविल आया है। तो मे भी ये जिनके साथ थे उनके साथ इनको काफ़ी ज़्यादा रेस्ट्रिक्टेड फील होता हो, काफ़ी ज़्यादा ट्रैप्ड फील होता हो, इनको लगता हो कि यार नहीं, मैं इनके साथ नहीं रह सकता, ये लड़की है, ये लड़का तो मुझे बस
चाहता है कि मैं इसी की इशारों पे करता रहूँ, ये करता रहूँ, वो करता रहूँ। और उस इंसान का कोई दूसरा भी रिलेशनशिप था, कोई दूसरा भी था, उसी वजह से इनका अब एंड हो गया है, या ये उस सिचुएशन में है जहाँ इनका एंड हो जाएगा। तो ये अभी दो सिचुएशंस में मे भी फंसे हुए हैं कि इनको क्या करना चाहिए, क्या इनको इनके साथ रहना चाहिए या इनको छोड़ देना चाहिए, आपकी साइड आ जाना चाहिए। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि ये आपकी साइड ही आएंगे, इनका ब्रेकअप होगा, क्योंकि उस रिलेशनशिप में ये बिल्कुल भी खुश नहीं है, ये एनर्जी वाइस वर्सा भी हो सकती है। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा। और जब ये आएंगे आपकी लाइफ में, तो फिलहाल ये ऐसा चाहते हैं कि इस चीज़ से दूर होना और स्पिरिचुअलिटी की ओर जाना, ये ऐसा चाहते हैं। और इनके कुछ ऐसे आसपास इनके शायद कोई ऐसे इनके शायद फादर हो सकते हैं जो इनको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते हों, और ये कहते हों कि आप स्पिरिचुअलिटी की ओर जाओ और अपने आप को थोड़ा हील करो। फिलहाल ये अभी थोड़े से करियर वाइज भी मे बी आप परेशान हो सकते हैं, ये परेशान हो सकते हैं कि जो इन्होंने मेहनत करी है क्या उनको इसमें सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। अगर आपका ऐसा सोचना है तो आप अपने उस पर बिल्कुल भी कोई वोन मत करिए, डाउट मत रखिए कि आपको सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। अगर आप मेहनत करेंगे तो सफलता ज़रूर मिलेगी। बट मेन मुझे यहाँ लग रहा है कि ये शायद उनकी प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा। और जब ये आएंगे आपकी लाइफ में, तो मे बी आप जॉब के थ्रू मिल सकते हैं, आप कुछ शायद जॉब करते हो, तो इनको सबसे ज़्यादा आपकी स्किल्स अट्रैक्ट करेंगी, आपकी ज़्यादा मतलब आप जैसे कोई मैजिशियन होता है, हम उसकी ट्रिक्स देखते हैं, हम उसकी चीज़ें देखते हैं, हम कितने ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, कितने ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तो शायद आप भी शायद इनको जॉब में मिलें और ये आपको जब देखेंगे तो ये आपकी स्किल से काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे। इनको लगेगा कि ये काफ़ी ज़्यादा कितना अच्छा काम करता है, ये कितने ज़्यादा मतलब हर चीज़ों को मैनेज करके रखते हैं। मे बी ये पार्टनरशिप के थ्रू मिल सकते हैं, एक जैसे आपने आपके साथ किसी ने पार्टनरशिप करी तो कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आई, न्यू अपॉर्चुनिटी इन द सेंस आपके बिजनेस में भी आ सकती है, आपके लव लाइफ में भी आ सकती है, कोई ऑफर कर सकते हैं वो। तो जैसे कि यहाँ 9 of Cups दिखा रखा है, तो ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग होंगे, काफ़ी ज़्यादा अपनी चीज़ों पर फोकस करते होंगे और लोगों को भी इम्पोर्टेंस देते होंगे। और जैसे यहाँ 8 of Cups आया है, तो ये दिखाता है कि इस इंसान ने अपनी लाइफ में अभी तक अपने मे बी इनका कोई फैमिली बिजनेस हो, कोई ऐसा फैमिली बिजनेस हो जो कि ये बहुत सदियों से चलाते आ रहे हों, तो ये उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और इनको उसमें ही करनी चाहिए क्योंकि उनमें इनका काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट है। 10 of Pentacles आए, तो ये जब आपके साथ होंगे तो काफ़ी ज़्यादा खुश महसूस करोगे आप इनके साथ। मे बी शायद आपका कोई पास्ट रिलेशनशिप, मुझे नहीं लग रहा कि आपका कोई है, आप शायद मे बी सिंगल हैं, शायद मुझे ज़्यादा उनकी साइड से लग रहा है ये, तो मे बी ये वाइस वर्सा हो सकती है एनर्जी। तो ये अभी ऐसे स्टेज पे हैं जहाँ इनको सिर्फ या आप जहाँ आपको सिर्फ इतने लोगों की नहीं सुननी चाहिए, जो ये लोग हैं ना इनकी नहीं सुननी चाहिए आपको। लोग बोलते हैं यार ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है, तेरे को और कहीं ट्राई करना चाहिए। नहीं, आपको वो चीज़ करनी ही नहीं है, आप अपने उस पे स्टैंड रहिए, अपना स्टैंड लीजिए, अपने दिल की बात सुनिए, अपने मन की बात सुनिए, अपने दिल की बात सुनिए कि क्या आपके लिए ये फ्रूटफुल होगा अगर आप दूसरों की सुनेंगे। तो जब ये आपके पास आएंगे ना, तो काफ़ी फास्ट आएंगे और ये एक और इनके आपके साथ शादी भी होगी, एंगेजमेंट होगी, मैरिज होगी, और ये शायद आपको किसी फैमिली गैदरिंग के थ्रू मिल सकते हैं, किसी फैमिली गैदरिंग के थ्रू। जैसे कि यहाँ 8 of Wands हैं, तो ऐसा लगता है कि ये जो इंसान होगा ना, इस इंसान ने काफ़ी ज़्यादा अपनी लाइफ में लोगों से धोखा खाया होगा,
काफ़ी ज़्यादा लोगों से, चाहे वो फ्रेंड वाइज हो चाहे वो किसी भी अकॉर्डिंग हो, उन्होंने धोखा काफ़ी खाया हुआ। लेकिन जब ये इन इस लड़की या इस लड़के के साथ आए तो इन्हें लगा कि शायद इनके ये सोलमेट हैं, लेकिन ये भी इन्हें धोखा दे के चले गए। तो अब वो चाहते हैं कि वो अपने सोलमेट के पास आएँ और थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की ओर जाएँ, अपने आप को हील करें और आपसे मिलें और एक हस्बैंड, एक अच्छे हस्बैंड साबित हों आपके लिए और सब अच्छा रहे। तो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप कि आपको रेजोनेट हुई हो। तो अभी देख लेंगे कुछ लव मैसेजेस उनकी साइड से आपके लिए क्या है। तुम मेरे लिए सबसे ज़्यादा मायने रखती हो, तो ठीक है जी, ये आपको आप इनके लिए सबसे ज़्यादा मायने रखती हो। जैसे कि मैंने आपको बताया, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा अपनी लाइफ में धोखे खाए हैं, तो अभी अपने सोलमेट से ही मिलना चाहते हैं। मुझे कुकिंग नहीं आती, गुस्सा मत होना। तो इन्हें कुकिंग नहीं आती जी, गुस्सा इनसे मत होना। तुम मेरे लिए ख्वाब जैसी हो, तो आप इनके लिए ख्वाब जैसे हो, जैसा ये सोचते हैं कि अब इनको अपने सोलमेट से मिलना है, तो शायद ये सोचते हो कि आप इनके लिए जैसा वो चाहते हैं वैसी हो आप। उफ़ तुम्हारी ये कातिलाना अदाएं, तो जी आपकी कुछ ऐसी अदाएं होंगी जो इनको काफ़ी ज़्यादा घायल कर देती होंगी। मेरे रश के कमर तूने पहली नज़र जब नज़र से मिलाई मज़ा आ गया, तो ठीक है जी। जैसे मैंने आपको बताया कि आप शायद इनको जॉब के थ्रू मिले और शायद आपका इनसे इंटरेक्शन हो, तो ये एक ही बार में काफ़ी ज़्यादा आपसे वो हो जाएं, अट्रैक्टेड फील करें। हम दो हमारे दो के थोड़े फ़नी हो सकते हैं, थोड़े नॉटी से हो सकते हैं ये। तू इतनी खूबसूरत है फिदा दीदार पे तेरे, तो ये आपको एक सॉन्ग डेडिकेट कर रहे हैं, आप इसको सुन सकते हैं अगर आपने नहीं सुना है तो। और आई लव योर स्माइल, शायद आपकी स्माइल कुछ ज़्यादा अच्छी है तो इनको काफ़ी ज़्यादा पसंद होगी आपकी स्माइल। माय सोलमेट आई लव यू, तो ये आपको कह रहे हैं कि आप इनके सोलमेट हो, आई लव यू, वो आपसे प्यार करते हैं। मुझे अभी भी कार्टून्स देखने पसंद है, क्या तुम्हें भी हैं? बताइए जी, आपको भी हैं क्या इन कार्टून्स देखने पसंद? शायद थोड़े चाइल्डिश नेचर के हो सकते हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप कि आपको रेजोनेट हुई हो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और कमेंट में आप बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो में कौन सा टॉपिक चाहिए। बाय बाय। तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 सिलेक्ट करी है, गोल्डन गिफ्ट बॉक्स, आइए देखते हैं उनके सोलमेट कौन है। तो यहाँ मैं शफल कर लूँगी कार्ड्स को। तो आइए देखते हैं आपके सोलमेट कौन हैं। द एम्प्रेस, टू ऑफ कप्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड, थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ वॉन्ड्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, द हाई प्रिस्टेस एंड फोर ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, तो ये जो इंसान होंगे, ये जो आपके सोलमेट होंगे, मे बी ये आपको ट्रैवलिंग के थ्रू मिले और ओवरसी कनेक्शन भी हो सकता है, शायद फॉरेन से हों और आप शायद फॉरेन ट्रैवल कर रहे हों तो शायद आपको वहाँ मिले, या किसी सिटी में भी हो सकता है जहाँ से उनको या आपको ट्रैवल करके जाना पड़े।
ये है। फिर मुझे यहाँ दिख रहा है जो आपके पर्सन होंगे, अगर आप मैरिड हैं तो ये डाइवोर्स भी हो सकते हैं, और अगर आप हैं तो आप सिंगल मदर भी हो सकती हैं। अगर आप सिंगल हैं तो ये जो आपकी जो पर्सन होंगी या जो आपके पर्सन होंगे ये काफ़ी ज़्यादा फेयर डिसीज़न लेते होंगे, काफ़ी ज़्यादा, मतलब ये इनके आसपास चारों तरफ नेगेटिविटी होती होगी लेकिन ये उसमें भी पॉजिटिविटी ढूंढते होंगे और एक फेयर डिसीज़न लेते होंगे हर चीज़ मद्देनज़र रखते हुए। जैसे कि यहाँ द हाई प्रेस्टिस है, तो ये काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल होंगे, काफ़ी ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होंगे, बहुत ज़्यादा भगवान में विश्वास रखते होंगे। और जैसा कि यहाँ एट ऑफ पेंटिकल्स दिखाई दे रहा है, तो इन्होंने जो ये इंसान ऐसे होंगे जो प्लानिंग और पेशेंस के साथ चलते होंगे काफ़ी ज़्यादा। इनको अभी शायद मे बी लगता होगा, वैसे इनके लिए यही है कि ये प्लानिंग एंड पेशेंस के साथ काफ़ी चलते होंगे, अपने डिसीजंस में फेयर रहते होंगे, प्लानिंग एंड पेशेंस के साथ चलते होंगे। और ये शायद आपको किसी कम्युनिकेशन के थ्रू मिल सकते हैं, मे बी कोई ऑनलाइन कम्युनिकेशन ऑनलाइन मिल सकते हैं, फ़ोन कॉल्स के थ्रू मिल सकते हैं, किसी कम्युनिकेशन के थ्रू मिल सकते हैं आपको, किसी भी कम्युनिकेशन मीडियम के थ्रू ये आपसे मिल सकते हैं। और जैसे कि यहाँ सिक्स ऑफ पेंटिकल्स हैं, तो यहाँ मुझे लग रहा है कि ये जो इंसान होंगे काफ़ी ज़्यादा ना लोगों की मदद करने वाले होंगे, काफ़ी ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा मदद करते होंगे, काफ़ी ज़्यादा चैरिटी में कोई दान करते होंगे, कोई कुछ होगा इनका ऐसा जो ये दान करते होंगे और इनको उसका बेनिफिट भी मिलता होगा। जैसे कि यहाँ दिखा रखा है नाइन ऑफ पेंटिकल्स, तो इस वजह से इनको अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा खुशियाँ मिलती होंगी, अपने करियर वाइज काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट होता होगा, ये मटेरियलिस्टिक काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है। और इनकी लाइफ में ऐसा है कि ये नेगेटिविटी से नहीं डरते, इनको हमेशा भगवान पे विश्वास रहता है कि जो होगा भगवान देख लेंगे हमेशा, और ये भगवान पे बिल्कुल विश्वास रखते हैं, नेगेटिविटी से दूर रहते हैं बहुत ज़्यादा। मे बी ये कोई पार्टनरशिप के थ्रू मिलें आप, जैसे यहाँ वाटर दिखाया दे रहा है, तो शायद आप दोनों मिलें और ये जो आपका रिलेशनशिप होगा काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी में रखेगा, क्योंकि यहाँ काफ़ी पेंटिकल्स हैं, काफ़ी ज़्यादा यहाँ अर्थ साइन है और अर्थ साइन ज़्यादा है यहाँ, काफ़ी ज़्यादा अर्थ साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, और यहाँ फायर साइन भी है, तो ये एरीज लियो सेजिटेरियस भी हो सकते हैं, शायद आप हों या वो हों, वाइस वर्सा हो सकता है। तो ये शायद किसी पार्टनरशिप के थ्रू मिले, कोई भी हो सकती है, कैसे भी हो सकती है। और जो आपके फ्यूचर स्पाउस या फ्यूचर आपकी लेडी होंगी वो काफ़ी ज़्यादा, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा मटेरियलिस्टिक वेल्थी होंगी, और जब आप इनके साथ होंगे ना तो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील होगा, आप दोनों बहुत ज़्यादा ग्रोथ करोगे बहुत ज़्यादा, और इनके साथ आपके बेबी भी होंगे, नो डाउट इनके साथ आपके बेबी भी होंगे, और काफ़ी ज़्यादा ये बोल्ड पर्सन होंगे, काफ़ी ज़्यादा इनको डर नहीं लगता कि लाइफ में कितने चैलेंजेस आ जाएं, कितना कुछ आ जाए, ये अपने प्लानिंग एंड पेशेंस के साथ आगे बढ़ते हैं और इनको सफलता भी ज़रूर मिलती है, ऐसा कभी नहीं होता कि इनको सफलता ना मिलती हो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है अपने थॉट्स में, अपने एक्शंस में, बहुत ज़्यादा अपने उसमें पॉजिटिव हैं। जैसे कि यहाँ क्वीन ऑफ वॉन्स दिखा रखा है, तो ये जो आपके पर्सन होंगे इनमें थोड़ी फेमिनिन एनर्जी भी हो सकती है, मतलब थोड़े केयरिंग हो सकते हैं और दूसरों की केयर करने वाले हो सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये काफ़ी ज़्यादा लोगों की हेल्प करते होंगे, तो ये हो सकता है। और जो आपके पर्सन होंगे, आपकी जो पर्सन होंगी वो काफ़ी ज़्यादा एक अच्छी मदर साबित होंगी, एक बहुत सपोर्टिव मदर या सपोर्टिव फादर,
और जैसे कि यहाँ टू ऑफ कप्स है, तो यहाँ ये दिखाया दे रहा है कि आप दोनों ही एक दूसरे को कप ऑफर करोगे, एक साइड से नहीं होगा, यहाँ दोनों साइड से होगा। आप दोनों ही, आप शायद उनकी इस चीज़ से अट्रैक्ट हो जाएं कि ये कितने ज़्यादा हेल्प करते हैं, कितने ज़्यादा मतलब बहुत अच्छे हैं, और ये शायद आपके मे बी ड्रेसिंग सेंस से अट्रैक्ट हो जाएं कि आप कितने ज़्यादा मतलब आपका लोग कितना बोल्ड है, आप कितना ज़्यादा एक सही अपराइट डायरेक्शन में सोचते हैं, और काफ़ी ज़्यादा आपको वो इस चीज़ से शायद अट्रैक्ट हों आपकी साइड। तो आपको मैनिफेस्टेशंस करें और ये आपके पास आ जाएंगे। आप दोनों ही एक दूसरे से मिल जाओगे जब डिवाइन टाइमिंग होगा, और जब आप दोनों आओगे तो करियर वाइज एंड लव लाइफ वाइज आप दोनों को अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी बहुत ज़्यादा, जो कि काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल होंगी आप दोनों के लिए। तो आई थिंक ये आपकी आपको रेजोनेट हुई हो। तो अब देख लेंगे आपके कुछ लव मैसेजेस। देखते हैं उनके लव मैसेजेस आपके लिए। मैं तुम्हारा हमेशा ख्याल रखूँगा, तो ये आपसे कहना चाहते हैं कि ये आपका हमेशा ख्याल रखेंगे। आई थिंक तुम दुनिया के सबसे खूबसूरत ब्राइड होगी। ओके, तो ये सोचते हैं कि आप दुनिया के सबसे खूबसूरत ब्राइड होंगी जब आप आपकी वेडिंग होगी। मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूँगा, तो ये आपको हमेशा खुश रखेंगे। मार डाला मे भी जब ये आपको देखें पहली नज़र में, तो ये बहुत ज़्यादा मतलब लव एट फर्स्ट साइट शायद ये वाली हो इनके उसमें हो जाए। और तुझमें रब दिखता है यारा मैं क्या करूँ। ओके, तो ये आपको सॉन्ग डेडिकेट कर रहे हैं, अगर आपने नहीं सुना तो आप सुनिए ज़रूर। तुमसे दूर रह के तुम्हारा एहसास होता है। ओके, तो ये आपसे अभी दूर हैं लेकिन इनको आपका एहसास ज़रूर होता है। तो ये है लव यू सो मच माई लव, तो ये आपको कह रहे हैं कि आपसे ये बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं माई लव, या आपको शायद प्यार से माई लव बुलाएं। यू आर माई वर्ल्ड माई एवरीथिंग, तो ये कह रहे हैं आप उनकी दुनिया हो, आप उनका सब कुछ हो। आई लव द वे यू वॉक, जैसे कि मैंने आपको बताया आपका काफ़ी ज़्यादा बोल्ड लुक हो सकता है, तो शायद ये आप जैसे चलते हो, आप जैसे वॉक करते हो, तो हो काफ़ी ज़्यादा ये अट्रैक्ट उस चीज़ से। आप शायद फैशन इंडस्ट्री में भी हो सकते हैं मे बी हमारे व्यूअर्स, तो शायद ये उस चीज़ से अट्रैक्ट हो जाएं। तो ये थी आपकी ओवरऑल रीडिंग। तो अगर आपको रेजोनेट हुई हो देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और आपको जिस भी टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो चाहिए आप कमेंट सेक्शन में मुझे कर सकते हैं। अभी के लिए बाय बाय।